आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें दिया गया है सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। इसे स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना है किससे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो मैं हमारी इक्वेशन को रीराइट करता हूँ, x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 45 इक्वल्स टू 0, राइट। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कहता है कि हम क्या करते हैं कि x का जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर क्या दे रखा है 12, इसका हम करते हैं हाफ, ये होता है मेरा 6। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जो x का जो कोफिशियंट होता है उसका मैं स्क्वायर 36 वो एक बार प्लस करता हूँ और एक बार मैं माइनस करता हूँ, राइट। तो ये हो गया मेरा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x, इसका प्लस 36 एंड माइनस 36 एंड अगेन माइनस 45। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इस चीज को एक बार देखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का और ये जो टर्म है इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 6 × x एंड अगेन ये जो चीज है इसका जो स्क्वायर ही तो यहाँ पर हो रहा है 6 का स्क्वायर, राइट। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 45, मतलब मैं इस पूरे टर्म को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड पहुंचा दूंगा, मतलब 36 प्लस 45, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ कि ये मेरा है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर फॉर्म है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, एक्स प्लस क्या, ये क्या चीज है 6, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 45 होता है 5 × 6 = 1, और ये मेरा हो जाएगा 5 × 6 मेरा 11, 11 का 1 एंड 3 और 4 मेरा 7, 7 प्लस 1 8। स्टूडेंट्स, मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा क्या, x प्लस 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 9। तो स्टूडेंट्स, मेरी x की एक वैल्यू तो आई 9 माइनस 6, यदि मैं प्लस का लूं तो ये हो जाएगा 3, और x की मेरी जो दूसरी वैल्यू निकल के आई वो मेरी निकल के आई माइनस 9 माइनस का 6, मतलब माइनस का 15। तो स्टूडेंट्स, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और जो मेरे रूट्स निकल के आए वो निकल के आए x1 = 3 और x2 = -15। और स्टूडेंट्स, यही मेरे फाइनल आंसर होंगे, यही मेरे इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।